हाय गाइस एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ विंटर वेट लॉस टिप्स। अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं यहाँ पे कहीं लिंक दूंगी, आप ये वीडियो पॉज करके पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि उसमें बहुत एसेंशियल टिप वन टू टिप फाइव है। उसके बाद कंटिन्यू करिए मेरी इस वीडियो के टिप सिक्स से लेके टिप टेन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय नेम इज चेतना एंड यू आर वॉचिंग ब्यूटी इनसाइट। तो टिप नंबर सिक्स ये है कि विंटर्स में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, समर्स के कंपैरेटिवली विंटर्स में हम बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करें। तो आप इंक्लूड करें बहुत सारा फाइबर अपने खाने में। नॉर्मल रोटी की जगह आप मल्टीग्रेन वाली रोटी खाएं या आप चोकर वाली रोटी खाएं, आप साबुत छिलके वाली दाल खाएं क्योंकि छिलके में बहुत सारा फाइबर होता है, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस होते हैं जिससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। और फाइबर अच्छा होगा तो आपके बावल मूवमेंट्स अच्छे होंगे, और बावल मूवमेंट्स अच्छे होंगे तो आपका पेट साफ रहेगा और आप खुश रहें। आप सब्जियां जितनी भी खाते हैं, जैसे कि आप आलू खाते हैं, उसका छिलका मत उतारें, अच्छे से उसको धो लें और फिर ऐसे ही उसको खत। आप अगर राइस खाते हैं यानी चावल खाते हैं तो वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस चूज़ करें। टिप नंबर सेवन ये है कि आप खाना खाने के बाद एक तो पानी ना पिएं, आधे घंटे का गैप दें, उसके बाद एक ग्लास गर्म पानी का। आप खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ी सी सौंफ लें और उसको चबा चबा के खाएं, बहुत देर तक चबाते रहें जब तक उसका सारा रस नहीं निकल जाता। इससे आपकी जो सर्दियों में प्रॉब्लम होती है जैसे कि इनडाइजेशन की या ब्लोटिंग एसिड रिफ्लक्स की, वो नहीं होगा और आपका पेट खुश रहेगा। टिप नंबर एट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है ये कि एक्सरसाइज करें। अब मुझे पता है कि सर्दियों में हम लोग गोल मोल होकर रजाई में टीवी देखना पसंद करते हैं, बट गाइज अगर आपको वेट लॉस सीरियसली करना है तो इन सब डाइटिंग टिप्स के साथ साथ आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को एंडोर्स नहीं करती जो बोलते हैं बिना एक्सरसाइज के वेट लूज़ करें, और अगर ये चीज़ें आपकी वर्क भी करती हैं तो जितना स्पीड से आपने वेट लूज़ किया है उसकी डबल स्पीड से आपका वेट बढ़ेगा जब आप वो डाइट छोड़ेंगे, क्योंकि आप ज़िंदगी भर डाइट तो नहीं कर सकते ना, आप कभी ना कभी तो नॉर्मल खाना खाएंगे। तो ऐसे में एक्सरसाइज आपकी हेल्प करती है। अरे आप डांस कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी म्यूज़िक लगाएं और डांस कीजिए, या आप बेड पे बैठे बैठे योगा कर सकते हैं। मैं योगा करती हूँ, मैं टीवी में अच्छी सी मूवी लगा लेती हूँ और बैठे बैठे योगा करती रहती हूँ। या आप अपने घर की सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, उसकी आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होती है, पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से होता है बॉडी में और वेट लॉस होता है। और टिप नंबर नाइन ये है कि आप नहाने से पहले थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के अपनी बॉडी को गर्म तेल से मसाज करें। सेसमे ऑयल तो वैसे बेस्ट होता है, सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल, बट अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट्स में आपको ऐसे ऐसे गोल गोल करना है और आपके लिम्ब्स में आपको ऐसे लंबे लंबे हाथ से ऐसे मसाज करनी है। उसको हम लोग बोलते हैं अभ्यंग आयुर्वेद में। अगर आप उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं वो बनाऊंगी, बस मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दें। गर्म तेल से मसाज करने से ना ही सिर्फ आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जो लिम्फैटिक नोड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उससे आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं, आपकी मसल्स टोन होती हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, आपको तेल से मसाज करनी कोई बात नहीं, बट आप हाथ से तो कर सकते हैं ना, बस उसके लिए आपको आपके हाथों की ज़रूरत है, और उससे आपको ऐसे रगड़ रगड़ के अपने हाथ पैर हर जगह की मसाज करनी है जब तक आपकी स्किन ना लाल पड़ जाए। इससे क्या होता है, आपका लिवर एक्टिवेट होता है, लिवर अच्छे से फंक्शन होता है, और अगर लिवर खुश रहेगा तो हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी वेट लूज करे। नाउ टिप नंबर 10, और आई एम श्योर आप सबने ये सुनी होगी ये टिप, बट ट्रस्ट मी ये काम करती है और ये बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है, मुझे पता है मेरी फैमिली में होता है, बट प्लीज़ आप रात में अगर सोते हैं लगभग 10 बजे तो आप खाना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7:30 बजे खाना खा लीजिए, क्योंकि आपके खाने को डाइजेस्ट होने के लिए यार 2 घंटे तो चाहिए, और आप अगर लेट खाना खा के सो जाते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका वेट लॉस होगा तो दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए प्लीज़ खाना 7:30 बजे तक खा लें, हल्का खाना खाएँ, और रात में अगर आपको भूख लगे सोने से पहले एक ग्लास दूध पी लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के पी लीजिए, उससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपको दूध के भी सारे गुण मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी विंटर वेट लॉस टिप्स पार्ट टू। आप पार्ट वन देखना ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, और वो नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ हिट करिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दिस इज़ चेतना तोमर साइनिंग ऑफ।
नमस्ते।